हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। इस वीडियो में हम करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन जो है इसकी डिटेल स्टडी पे वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा चैप्टर फिनिश किया था। तो अगर ये क्वेश्चंस करने से आप पहले वो वीडियो देख लेते हो तो ये क्वेश्चंस करने थोड़े आसान हो जाएंगे और चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मास्टर कैडर में आ जाते हैं, मतलब आए हुए हैं पहले, ठीक है। तो कुछ एक्सपेक्टेड भी हैं तो वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डोडो पैसेंजर पिजन एंड द स्टिलस सी काउ बिकेम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर ड्यू टू, कि जो डोडो है और पैसेंजर पिजन है और स्टिलस सी काउ है, ये पिछले 500 सालों में हमने पढ़ा कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो किस रीज़न की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। पहला है हैबिटेट लॉस की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, बर्ड फ्लू वायरस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या पोल्यूशन की वजह से। तो हमने पढ़ा था कि जो डोडो और पैसेंजर पे स्टेलर सी काउ है, ठीक है, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। डेंजरस डेंजर में नहीं है, पूरी तरह से ही ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसकी आ जानी है हमारी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइंस स्पीशीज डाइवर्सिटी डैश एज वी मूव फ्रॉम डैश टू वॉर डैश, कि स्पीशीज डाइवर्सिटी का क्या होता है अगर हम दूर जाते हैं किससे किसकी तरफ। देखो हमने इस तरह से बनाया था, हमने कहा था यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है। इक्वेटर से जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, है ना, इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है। ऐसे ही होता है, मूव अवे लिखा है, मतलब इक्वेटर पे ज़्यादा, इक्वेटर से दूर जाएंगे पोल्स की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो डिक्रीज़ हुई है ना। तो ये डिक्रीज इक्वेटर और पोल है, इंक्रीज इक्वेटर पोल्स है, डिक्रीज पोल्स और इक्वेटर है, या कोई भी नहीं है। तो इसकी ऑप्शन सीधी सी है हमारी, ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ठीक है, कि स्पीशीज डाइवर्सिटी वैसे वैसे कम होती जाती है जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, मतलब ट्रॉपिकल रीजन से आर्कटिक रीजन की तरफ जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्जॉटिक स्पीशीज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द न्यू एरिया स्प्रेड रैपिडली एंड एलिमिनेट द नेटिव स्पीशीज इज कॉल्ड, कहते वो एक्जॉटिक स्पीशीज जो किसी एक नए एरिया में आप इंट्रोड्यूस करवा दो, ठीक है, और वो बहुत जल्दी जो है वो फैलनी भी शुरू हो जाती है, और नेटिव स्पीशीज मतलब जो उस एरिया की नेचुरल स्पीशीज थी, पहले से ही प्रेजेंट स्पीशीज थी, वो खत्म हो गई। मान लो एक पॉन्ड है, यहाँ पे कुछ नेटिव स्पीशीज हैं, मतलब पहले से ही कुछ फिशेज वगैरह, कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, अगर उसमें कोई और जो एक्जॉटिक स्पीशीज है उसको ऐड कर दिया जाए, ठीक है, और वो इन नेटिव स्पीशीज को एलिमिनेट कर दे, तो वो कौन सी स्पीशीज हुई, एक्जॉटिक स्पीशीज को कौन सी बोलेंगे, इमिग्रेंट स्पीशीज, इन्वेजिव, डिस्ट्रक्टिव, के नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा है, इन्वेजिव स्पीशीज बोलते हैं इसको, ठीक है। इन्वेजिव स्पीशीज वो होती हैं जो दूसरे एरिया से इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं किसी नए एरिया में, ठीक है। तो इनमें इनको पकड़ने वाला कोई प्रीडेटर होता नहीं है, इसीलिए अपने फूड के लिए ये जो नेटिव स्पीशीज होती हैं उनको ही खा जाती हैं, ठीक है। तो इन्वेजिव स्पीशीज थर्ड का जाना है। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आएगा, द एग्जॉटिक स्पीशीज विच मैन विच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकम नोटोरियस वीड्स, ठीक है। अभी वीड्स की बात करी है कि कौन सी ऐसी वीड्स है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, बट एग्जॉटिक स्पीशीज हैं वो, लेंटाना क्या हमारा, इकॉर्निया क्रेस्पियस, ठीक है, पार्थेनियम, हिस्टेरिफोरस और ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है पार्थेनियम के बारे में, है ना। पार्थेनियम जो है इसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैरेट ग्रास जो है ये इंडिया में वीड की फॉर्म में कंटेमिनेट के तौर पे वीट में से ऐड हुई थी ये, ठीक है, और ये एग्जॉटिक स्पीशीज है, ओके। तो इसकी ऑप्शन हमारी आनी है ऑप्शन सी, ये हमने पहले भी सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिश लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ द सीचाइल्ड फिश इन द लेक विक्टोरिया ऑफ द ईस्ट अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, सॉरी, तो ईस्ट अफ्रीका वाला जो एरिया है वहाँ की, कहते लेक विक्टोरिया में वो ऐड करवाई, मतलब इंट्रोड्यूस करवाएगी फिश, ठीक है। कौन सी ऐसी फिश है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसने उस एरिया की जो 200 नेटिव स्पीशीज थी, मतलब सी चाइल्ड फिश थी, उनको ही खा लिया, ख़त्म कर दिया, अफेक्ट किया उनको, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट होगी बेचारी 200 स्पीशीज। तो ऐसी कौन सी थी, कतला कतला,
डॉगफिश, नाइल पर्च के अफ्रीकन कैटफिश। तो ये थी नाइल पर्च, ठीक है। चैप्टर अगर आपने वीडियो देखी हो तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। हमारी बुक में भी ये बताया हुआ है कि जो नाइल पर्च है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करवाने से 200 नेटिव स्पीशीज यानी कि सी चाइल्ड फिशेज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी हमारी ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ बींग इलीगली इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एक्वा कल्चर, मतलब वो एक्वा कल्चर यानी कि फिशरीज़ वगैरह के लिए जो डाली गई थी, एंड इज़ पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजेनियस कैट फिश ऑफ द इंडियन रिवर्स। इंडिया में इंडिजेनियस कैट फिशेज जो थी इंडिया की रिवर में, ऐसी कौन सी इंडिजेनियस सॉरी ऐसी कौन सी फिश एड की गई, इंट्रोड्यूस की गई, जिसने मेन जो इंडिजेनियस कैट फिशेज थी उनको ही ख़त्म कर दिया, उनके लिए ही थ्रेटन बन गई, खतरनाक बन गई। कौन सी ऐसी फिश थी, जैसे यहाँ पे नाइल पर्च से सी चाइल्ड फिश ख़त्म हो गई थी, है ना। तो कौन सी ऐसी फिश थी जिसकी वजह से जो इंडिया की रिवर्स में इंडिजीनियस कैट फिश पे खतरा आ गया, ठीक है। तो क्लैरियस गैरिपिनस पाइनस है, नाइल पर्च है, ठीक है, क्लाइंबिंग पर्च है, या प्रोटो टेरस है, ठीक है। तो हमारी इसकी सिक्स की ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, ठीक है, क्लैरियस गैरिनेपिनस गैरिनेपाइनस, ठीक है, ये है। तो ये है अफ्रीकन कैटफिश, इसका कॉमन नेम है अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है। तो जो इंडिया की होती है इंडिया की भी कैटफिश ही, बट वो कौन सी कैटफिश थी, उसका साइंटिफिक नेम क्या था इंडियन कैटफिश का, क्लैरियस बैक्ट्रेकस, ठीक है, ये है इंडियन कैटफिश का नाम। तो उसको खाने वाली कौन थी, उसके थ्रेटन्ड के लिए थ्रेट क्रिएट करने वाली कौन थी, क्लैरियस गैरिपाइनस, ठीक है, जो अफ्रीकन कैटफिश है, ठीक है, ये इंडियन कैटफिश है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, बायोडाइवर्सिटी लॉस अकर्स ड्यू टू, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो किन चीज़ों की वजह से होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से, को एक्सटिंक्शन से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से। तो कौन कौन सी चीज़ें सही है हमारी इसकी, तो अगर हम देखें हैबिटेट लॉस भी ठीक है, को एक्सटिंक्शन भी हमने पढ़ा था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी पढ़ा था, एलियन स्पीशीज इन्वाजन भी पढ़ा था कि अगर एलियन स्पीशीज ऐड हो जाएं, इंट्रोड्यूस हो जाएं, तो ये तो सारी ऑप्शन सही हैं। तो हमारी फिर डी ऑप्शन आ जाएगी, 1, 2, 3, 4 सारी ऑप्शन है इसमें, ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कितने परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, कितना पढ़ा था हमने लैंड एरिया कितना होता है, और कॉन्ट्रीब्यूट कितनी परसेंट ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है कितनी, 1 और 5.5%, 5.5% और 0.1%, सॉरी 1.0% यानी कि 1%, सी ऑप्शन है 8.1%, 2.4% या डी है 2.4% और 8.1%। तो हमने पढ़ा था कि जो इंडिया है उसमें टोटल लैंड का 2.4% बनता है, और स्पीशीज रिचनेस इसमें ज़्यादा है, वो 8.1% है ग्लोबल स्पीशीज़ के बेस पे, है ना। तो ये 2.4 8.1 डी ऑप्शन हमारी बनती है, तो ऑप्शन डी आ जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ, द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट और कम्युनिटी इज टर्म्ड एज। तो देखो ये वाले क्वेश्चन ना पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, लेक्चर कैडर में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से करना। तो डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम हैबिटेट, कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म, वो डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म जिनका हैबिटेट भी सेम है या कम्युनिटी सेम है उनकी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गैमा के डेल्टा डाइवर्सिटी बोलेंगे, ठीक है। तो हमारी नाइन्थ जो है, नाइन्थ की ऑप्शन आनी है ए, ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं हम, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ था ना कि अगर सेम हैबिटेट या कम्युनिटी शेयर कर रहे हैं तो अल्फा है, अगर विद इन द कम्युनिटी हो तो बीटा है, अगर पूरे एरिया की हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया की तो वो गैमा बनती है। तो उन्होंने हमें कहा सेम हैबिटेट और स्पीशीज कम्युनिटी, सो हमारी अल्फा आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज डाइवर्सिटी डैश एज वन मूव्स फ्रॉम द हाई टू लोअर एटीट्यूड, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी कि कम होगी अगर हम हाई एरिया से, हाई आल्टीट्यूड से लो की तरफ आते हैं, मतलब माउंटेन से नीचे, पहाड़ियों से नीचे की तरफ आते हैं, प्लेन्स की तरफ, तो डाइवर्सिटी क्या होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी कि कम होगी। हमने पढ़ा था कि माउंटेन पे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है ना, टेम्परेचर वगैरह का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ना, वेरी करता रहता है, तो या लो हो सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस कम है। तो जैसे ही हम माउंटेन से प्लेन्स की तरफ आते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह की तरफ आएंगे, तो वहाँ पे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। तो वही है कि यहाँ पे क्या होगी,
इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे 10th का आंसर आना है ए ऑप्शन, ठीक है, कि इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ एज एस्टिमेटेड बाय द रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ वो कितनी है एस्टिमेट के बेस पे, अर्थ के पे कितनी थी हमने पढ़ा था, रॉबर्ट मे ने हमें बताया कि 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो 3 मिलियन, 5 मिलियन, 7 के 9, उसमें से आएगा हमारा 7 मिलियन, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ बींग डिवाइडेड इंटू डैश जियोग्राफिकल रीजन। कि उन्होंने बोला कि इंडिया जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं उनमें से एक एक है वो, ठीक है। तो बींग डिवाइडेड इंटू डैश बायो जियोग्राफिकल रीजन, कितने रीजन में इसको के बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। हमने कहा था 10 एनिमल के बेस पे, 10 में से 8 एनिमल इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स, और बाकी के 2 मतलब और स्पीशीज हो सकती है ना। तो हमने 8, 10, 16 और 18 के बेस पे अगर देखें तो कितने पे हमने देखा था, 10 के बेस पे, तो ऑप्शन आएगी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा डाइवर्सिटी इज द बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट, कि अल्फा डाइवर्सिटी जो है उसमें क्या होता है, विद इन कम्युनिटी होती है, बिटवीन कम्युनिटी होती है, रेंज ऑफ कम्युनिटीज के बीच में होती है, कि नन ऑफ दीज। देखो इसके ऑप्शन सी दी सी है, ए ऑप्शन आएगी, है ना। जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो विद इन कम्युनिटी होती है, बिटवीन कम्युनिटी हो तो बीटा आ जाएगी, और रेंज ऑफ कम्युनिटीज हो तो हमारी गैमा आ जाएगी, ठीक है, ये वाली आ जाएगी हमारी गैमा। तो बस ए ऑप्शन सही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड बर्ड इज, जो बर्ड जो है वो खतरे में है, कौन से, पैसेंजर पिजन, डोडो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और जेबू, ठीक है। तो ये देखिए, पैसेंजर पिजन और डोडो हो गया, जेबू हो गया, ये तो बेचारे एक्सटिंक्ट ही हो चुके हैं ना, खत्म ही हो गए। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, अगर आपने वो वाइल्ड लाइफ सॉरी सेंचुरीज के बारे में, वो रिजर्व के बारे में पढ़ा हो, ठीक है, हॉटस्पॉट एरिया के बारे में पढ़ा हो वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो एंडेंजर्ड बर्ड है वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होते हैं ये एंडेंजर्ड बर्ड आते हैं, ठीक है, मतलब खतरे में है ये। तो सी ऑप्शन आनी है इसकी, 14th की। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कहते ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रेड डाटा बुक इज, कि जो रेड डाटा बुक यानी कि रेड लिस्ट जो है वो बनाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ कौन सी है, IUCN है, WWF है, CITES है, कि IPWL है। तो हमने पढ़ा था IUCN है, ठीक है, IUCN पढ़ा था हमने। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये ऑप्शन है इसकी, 16th के पे आते हैं। 16th में क्या बोला हुआ है, कहते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट एज दे कंट्रीब्यूट डैश ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमोसफियर। कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को प्लैनेट्स का लंग्स, लंग के लंग्स कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो अर्थ की जो ऑक्सीजन है उसके टोटल परसेंटेज कितनी है बनाते हैं, तो 10%, 15, 20 के 30%, 20% बना आते हैं, तो ऑप्शन आ जानी है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज इंटू द न्यू एरिया पोजेस अ थ्रेट टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशीज ड्यू टू। कि जो एलियन स्पीशीज यानी कि इन्वेजिव स्पीशीज आती हैं किसी न्यू एरिया पे, और जो वहाँ की इंडिजीनियस स्पीशीज होती है उनके लिए थ्रेट, उनके लिए खतरा बना देती है, उनको खा के, उनको ख़त्म करके, एक्सटिंक्ट करके, है ना। तो क्यों करती है, ड्यू टू किस चीज, किस रीज़न की वजह से करती है, देयर हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल प्रेडेटर, या मोर इंट्रा स्पेसिफिक कंपिटिशन। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आएगी 17th की, कि उनके नेचुरल प्रेडेटर्स जो होते हैं वो है नहीं, तो उनको ख़त्म करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो बाकी के स्पीशीज़ को ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन में है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइल पर्च इन द लेक विक्टोरिया ऑफ साउथ अमेरिका, सॉरी साउथ अफ्रीका, रिजल्टेड इन। कि अगर नाइल पर्च लेक विक्टोरिया में, साउथ अफ्रीका की लेक विक्टोरिया जो थी उसमें नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करवाने से क्या हुआ, ऐसा एक्सेसिव ग्रोथ हुई वाटर वीड्स की, ठीक है, वीड्स क्या होती हैं जो मतलब वैसे ही ग्रो कर जाती है ना फसलों के साथ, वैसे ही वाटर वीड्स कहते ग्रो कर जाती हैं, इससे वाटर वीड्स एलिमिनेट हो जाती हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ सीचाइल्ड फिशेज, और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सीचाइल्ड फिशेज, ग्रोथ तो नहीं होती बट वो एलिमिनेट ज़रूर होगी नाइल पर्च के कारण, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, इसके सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग रेजरपिन इन द मेडिकल प्लांट
मेडिसिनल प्लांट रेबोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन द डिफरेंट हिमालयन रीजन, विच काइंड ऑफ द डाइवर्सिटी डज इट इंडिकेट? कि जो जेनेटिक वेरिएशंस में हमने, जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी एक, कि रेबोल्फिया वोमिटोरिया जो होता है हिमालयन एरिया में जो ग्रो करता है, तो उसमें से हमें मिलती है ज़्यादातर, तो सभी रेबोल्फिया से रेजरपिन मिलती है, बट जो हिमालय की रेजरपिन होती है उसकी पोटेंसी और कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो कहते हैं कि ये कौन सी डाइवर्सिटी को शो करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी में आएगा, जेनेटिक में, इकोलॉजिकल में, कि कोई भी नहीं? तो सिंपल सा है बी ऑप्शन, ठीक है? जेनेटिक डाइवर्सिटी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि ये जीन्स के बेसिस पे हैं, ठीक है, इसके जीन्स जो हैं रेवॉल्फे के जीन्स थोड़े अलग होंगे, जिसकी वजह से हिमालयन रेंज में इसकी पोटेंसी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये बी ऑप्शन आ गया। इसके अलावा हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में 1000 स्पीशीज़ ऑफ मैंगो जो है उसकी बात करते हैं, 50,000 ऑफ जो स्ट्रेन्स हैं राइस की, है ना, वो किसके बेस पे? इनके जीन्स ही थोड़े इनके जीन्स यानी कि जेनेटिक मटीरियल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की वजह से ये चेंजेस आते हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ द एम्फीबियन स्पीशीज दैट द ईस्टर्न घाट्स, वट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी डज इट रिप्रेजेंट? कि अगर जो एम्फीबियन स्पीशीज हैं, ठीक है, वो वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट के कंपेरिजन ज़्यादा है, तो ये कौन सी डाइवर्सिटी शो करेगा? ये स्पीशीज बेस पे है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, या नन ऑफ दिस? तो सिंपल सा है, ए आएगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी को ये शो करता है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेडी डाटा बुक डील्स विद, 21st क्वेश्चन हमें क्या पूछा है में हमें, कि जो रेडी डाटा बुक है वो किस चीज़ से डील करती है, किस चीज़ के बारे में बताती है? ऑर्गेनिज्म्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने तक पहुंच गए हैं, एंडेमिक प्लांट्स के बारे में, ऑर्गेनिज्म्स शोइंग फोटो पीरियोडिज्म, के जो फोटो पीरियोडिज्म शो करते हैं लाइट पीरियड के बारे में बताते हैं, उस चीज़ को नहीं, तो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यहाँ से हमारे पास जो हैं दो चीज़ें सही आ रही हैं, ठीक है, ए भी सही आ रही है, डी भी सही आ रही है, ठीक है? पर मेन जो जिनको देखो, ए और डी ऑप्शन दोनों ठीक आ रही हैं, पर हम चूज़ ए को करते हैं, उसका रीज़न बताती हूँ, कि देखो जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इनके बारे में तो वो हमें नॉलेज ही प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, पर जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली हैं और उनको बचाया जा सकता है, उसको बचाने में, उसको कंजर्व करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है? तो हम ए को प्रेफर कर सकते हैं, वैसे ए और डी दोनों ऑप्शन ठीक आ रही हैं इसकी, ठीक है? तो उसके बाद है, कीस्टोन स्पीशीज डिजर्व द प्रोटेक्शन बिकॉज दीज आर, कीस्टोन स्पीशीज के बारे में हमने किस में पढ़ा था, राइबर्ट पॉपर वाला जो था थ्योरी थी, हाइपोथेसिस था, वहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना? तो इसमें कहा गया था एरोप्लेन की एग्जांपल लेके, कि जो कुछ स्पीशीज़ हैं उनके एलिमिनेट होने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर कीस्टोन स्पीशीज ही ख़त्म हो जाती हैं तो उससे इकोसिस्टम जो है हमारा वो मेंटेन नहीं रह पाता है, ठीक है, कम्युनिटीज मेंटेन नहीं रह पाती हैं, तो इम्बैलेंस कंडीशन आ सकती है। तो कहते हैं कि ये प्रोटेक्ट क्यों किया जा सकता है, कीस्टोन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो कैपेबल हैं हार्श कंडीशन में रहने के लिए, इंडिकेट करते हैं कुछ मिनरल के, ये सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी वजह से इसलिए, या ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बहुत कम पाई जाती हैं इसलिए, या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाकी स्पीशीज़ के लिए। तो हमारा 22nd का आंसर आना है ऑप्शन डी, कि ये बाकी की स्पीशीज़ को सपोर्ट करती हैं सर्वाइव करने में, तो इसीलिए ये इनका मेन रोल होता है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया वी फाइंड द मैंगोज विद द डिफरेंट फ्लेवर्स, कलर, फाइबर कंटेंट, शुगर कंटेंट एंड इवन शेल लाइफ, द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द अकाउंट ऑफ, लार्ज वेरिएशन इज अकाउंट ऑफ, कि इंडिया में तो मैंगोज़ की ही बहुत फ्लेवर, कलर और कंटेंट, शुगर कंटेंट पाया जाता है, है ना? तो ये लार्ज वेरिएशन किस बेस पे है, स्पीशीज डाइवर्सिटी के बेस पे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेस पे, कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से? तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से, ठीक है। हिमालय में जो रेबोल्फिया की हमने एग्जाम्पल पढ़ी, राइस का पढ़ा हमने, और जो मैंगोज़ की अलग अलग स्पीशीज पढ़ी कॉमन, तो है ना, वो सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी में आती हैं, तो ऑप्शन सी आ जाना है 23rd का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नेशनल पार्क्स प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, के नेशनल पार्क्स में किस चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, नेचुरल पार्क्स में, फ्लोरा फोना को, फ्लोरा फोना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को, एंटायर इकोसिस्टम को, अकेले फोना को यानी कि अकेले एनिमल्स को, कि अकेले प्लांट्स को, अकेले फोना फ्लोरा को, किस चीज़ को नेशनल पार्क में जो है
नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है, तो पूरे इकोसिस्टम के बेस पे वो तो होता है, पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए होता है ना, सिर्फ प्लांट एनिमल्स नहीं और भी कई सारी स्पीशीज होती हैं, तो सभी को प्रोटेक्ट करना उसका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एंटायर इकोसिस्टम आएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली टोटल नंबर ऑफ द बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड इज़, कि अगर हम देखें अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जो टोटल हॉटस्पॉट्स हैं वो पूरी दुनिया में कितनी है, पूरी दुनिया की बात करी हुई है, ठीक है, शायद मैंने उसमें इंडिया बोला बट पूरे वर्ल्ड की है, तो पूरे वर्ल्ड पे 25 है, 34 है, 37 है कि 40 है, तो हमने पढ़ा था 34 चल रही हैं प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो टोटल हॉटस्पॉट हैं हमारी, ठीक है, वो 34 हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एग्जिटू कंजर्वेशन इज यूज्ड फॉर द कन्वर्शन कंजर्वेशन ऑफ, के एग्जिटू कंजर्वेशन किस चीज़ को कंजर्व बचाने के लिए किया जाता है, एग्जिटू में हमने पढ़ा था जब ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से मतलब अलग बाहर रखा जाता है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो एग्जिटू होता है, तो इसमें एग्जिटू में किसको कंजर्व किया जाता है, पूरे प्लांट्स को, अकेले पूरे एनिमल्स को, थ्रेटन स्पीशीज जो कि प्लांट और एनिमल दोनों की हैं, या और प्लांट और एनिमल सभी को, तो इसके ऑप्शन है कि सी, मतलब जो ख़त्म होने वाले हैं उनको, थ्रेटन स्पीशीज हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, खतरे में हैं, तो उन प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो थ्रेटन स्पीशीज की मेन तरफ इनका मेन ध्यान होता है, तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारी 26th की सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है, देखो इन सीटू कंजर्वेशन में हमने वो पढ़ा था ना कि ये नेचुरल एरिया में ही, नेचुरल इन्वायरमेंट में ही ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, प्लांट्स एनिमल्स को, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो हॉटस्पॉट्स होते हैं, ठीक है, एक वो रिजर्व्स होते हैं, सेंचुरीज होती हैं, पार्क्स होती हैं, है ना, तो ऑप्शंस में पूछा गया बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल पार्क्स। देखो तो ये वाले जो थे ना, ये तीनों ऑप्शन तो हमारे सही हैं, इन सीटू में आती हैं, बट ये फोर्थ ऑप्शन जो है जूलॉजिकल पार्क्स, ये नहीं होती हैं, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स इन सीटू कंजर्वेशन में नहीं होती हैं, ठीक है, तो ये तो एग्जिटू कंजर्वेशन है, तो जूलॉजिकल पार्क्स में, जूज वगैरह में एनिमल्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में कहाँ से रखते हैं, है ना, नहीं रखते, तो इसलिए वो एग्जिटू कंजर्वेशन होती है, तो हमारी डी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28th, डैश नेशनल पार्क वॉज फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे पहली जो नेशनल पार्क थी वो कौन सी थी, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, काजीरंगा या जलदापारा, ठीक है, तो हमने पढ़ा था जिम कॉर्बेट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क उत्तरांचल में है, ठीक है, ये सबसे पहली इंडिया की नेशनल पार्क थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी विच वन ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो हॉटस्पॉट है उनमें से कौन सी नहीं है, इंडिया के तीन हॉटस्पॉट एरिया पढ़े थे हमने, ठीक है, तो कहते हैं उसमें से कौन सा नहीं है नीचे बताई हुई ऑप्शन में से, वेस्टर्न घाट है, बिल्कुल है, हिमालय है, बिल्कुल है, इंडो वर्मा है, ये भी पढ़ा है हमने, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स नहीं है, ठीक है, ये नहीं आते हैं इंडिया के हॉटस्पॉट में, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, हमारी ऑप्शन डी, ठीक है। 30th क्वेश्चन है, फर्स्ट अर्थ समिट फॉर द कंजर्वेशन और कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD वॉज हेल्ड एट, कि जो सबसे पहला अर्थ समिट हुआ था CBD के लिए, ठीक है, ताकि हम बचा सके बायोडाइवर्सिटी को, तो कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, रियो दे जनारियो ब्राज़ील, देहरादून इंडिया, न्यूयॉर्क 2000 में USA में, तो हमने पढ़ा था जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था वो रियो दे जनारियो में हुआ था ब्राज़ील में, तो ऑप्शन बी आएगी, ठीक है, अगर हमें सेकंड पूछा जाता तो हम जोहान्सबर्ग बोल देते, ठीक है, पर हमें फर्स्ट पूछा गया है तो हम बी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकोरेक्टली मैच्ड पेयर, जो गलत मैच किया हुआ है वो बताना है, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड फुल फॉर्म के बेस पे, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही जा रही है, ठीक है, CITES, कन्वेंशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड टू इन एलाइट स्पीशीज, नहीं ये गलत है, यहाँ पे एलाइट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे इंडिजेनियस स्पीशीज होते हैं, जेनियस स्पीशीज होता है यहाँ पे, ठीक है, अलाइट नहीं है, तो ये गलत बता दिया हमें, ठीक है, ये हमारा करेक्टली मैच नहीं है। IUCN तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और WWF होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, ये तीनों सही हैं, ठीक है, बस ये मैच नहीं करती, अलाइट की जगह पे इंडिजेनियस होता है, ई फॉर इंडिजेनियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में टोटल कितनी हॉटस्पॉट हैं, पूरे वर्ल्ड में 34 हैं, ठीक है, इंडिया में कितनी है,
1, 2, 3 के 4, तो 3 है हमारे यहाँ पे, ठीक है। वो इंडो बर्मन हिमालय वाली, ठीक है, और एक और है, ठीक है। तो ये 3 करके हैं हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इस्टेब्लिश इन 1986 एट, जो फर्स्ट बायोस्फीयर इस्टेब्लिश हुआ था 1986 में, वो कहाँ पे हुआ था। तो अगर आपने वीडियो देखी है, उसमें चार्ट में पढ़ा है, तो आपका ये बिल्कुल क्लियर रहेगा कि कौन सी है 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा सबसे पहला आया था इंडिया में, इस्टेब्लिश हुआ था, नीलगिरी में, नंदा देवी, रन ऑफ कश, या सुंदरबंस में। तो इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी कर्नाटका में पड़ता है ये, ठीक है, वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ फाउंड इन, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। तो इसकी हमारी ऑप्शंस हमें बताई हुई हैं, उत्तरांचल है, असम है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, नंदा देवी जो पड़ता है ये बायोस्फीयर है उत्तरांचल में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारी आ जानी है उत्तरांचल ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन इज़ अ प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्मा, जर्म प्लाज्मा नहीं मतलब जर्म प्लाज्मा के अलावा जो टिश्यूज़ होते हैं, है ना, टिश्यू हो गया, एम्ब्रियोज हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए। तो कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में इन चीज़ों को स्टोर किया जाता है लो टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है ना, उसमें रखा जाता है प्रिजर्व करके। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -121, -196 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस के, -101 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि 196 डिग्री, वो भी -196 डिग्री में हम जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं सीड्स वगैरह को या पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36th, वन ऑफ द एग्जिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़, कि जो एग्जिटू कंजर्वेशन मेथड होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए वो क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, एग्जिटू कंजर्वेशन कहा है उन्होंने, हमें ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, नेशनल पार्क्स हैं। देखो, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, बायोस्फीयर हो गया, ये तो तीनों तीनों जो हैं ये इन सीटू हैं, उन्होंने हमें एग्जिटू पूछा है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, जीन बैंक हो गया, जर्म प्लाज्मा कलेक्शन हो गया, ये सभी एग्जिटू में आते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, एग्जिटू है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व डिफर फ्रॉम द नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिकॉज इन द फॉर्मर, के जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो नेशनल पार्क से अलग हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अलग हैं। क्यों अलग हैं, ह्यूमन बींग अलाउ नहीं है वहाँ पे एंटर करना, कि ह्यूमन बींग, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, ग्रेजिंग वगैरह है ना, कुछ वहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकते, ठीक है। या पीपल इसका इंटीग्रल पार्ट हैं, या प्लांट्स जो हैं उनकी तरफ एनिमल से ज़्यादा वो अटेंशन दी जाती है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रॉड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रिजर्व्ड फॉर पोस्टेरिटी, ठीक है। तो ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो बायोस्फीयर रिजर्व अलग क्यों है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। तो उसका रीज़न हमें बताना है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन आएगी हमारे पास, इसकी ऑप्शन है हमारी ऑप्शन बी, ठीक है। पीपल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना, यहाँ पे कई जोन्स बनाई जाती हैं, जैसे बफर जोन वगैरह है ना, तो उन जोन के बेसिस पे ही जो ह्यूमन है उसकी जो है वो एंट्री उसके बेस पे होती है, जबकि एनिमल्स प्लांट को संभालने के लिए भी जो वहाँ पे लोग हैं वो मतलब होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो पीपल हैं वो पाई जाती हैं, रहते हैं लोग वहाँ पे, ठीक है, आसपास के एरिया में, और प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ पे लोग पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब एनिमल्स या प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उनको उनकी केयर करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है, कि मतलब वो अलग करती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपने आप को इस चीज़ के कारण। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, कौन सी कंट्री जो है, एक कौन सी मेन कंट्री है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया और इंडिया। तो हमने कहा था, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो है ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारी आनी है ऑप्शन ए, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39th क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या ऐसा कारण है जो कि बायोडाइवर्सिटी की लॉस में के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन सा ऐसा कारण है जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, बिल्कुल, हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाए तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, तो ये है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज, इससे भी अफेक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स,
और फोर्थ ऑप्शन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो डिस्ट्रक्शन इन्वेजन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इससे बायोडायवर्सिटी लॉस होता है, तो सी ऑप्शन आएगी, ठीक है, कि एनिमल्स को जोलॉजिकल पार्क में रखने से, जूलॉजिकल पार्क में रखने से बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आएगी हमारी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के एरिया में कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो इन्वेजिव नहीं है, जो बाहर से नहीं आई है, लेंटाना, ठीक है, लेंटाना है, साइनोडोन है, पार्थेनियम है, इकनोरिया है, ठीक है, तो कौन सी जो है वो नहीं आती है इसमें, तो हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, साइनोडोन जो है ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज नहीं है, ठीक है, ए सी और डी जो है हमारी ऑप्शन, ये सारी जो हैं ए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज हैं बी को छोड़ के, ठीक है, तो बी ऑप्शन आ जानी है इसकी। 41st क्वेश्चन है अमंग द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए एनिमल्स हैं इनमें से कहते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज एंडेंजर्ड स्पीशीज, कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, इंसेक्ट जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, मैमल्स, एम्फीबियन के रेप्टाइल्स, तो इंसेक्ट, मैमल्स और रेप्टाइल्स को छोड़ के जो एम्फीबियंस होते हैं अभी ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन चुकी हैं, मतलब खतरे में आने आ चुकी हैं ये, ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगी हमारी ऑप्शन सी, ठीक है, एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सी ऐसी प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो खतरे में है, एंडेंजर्ड हैं जो, ठीक है, एंडेंजर्ड हैं जो, वो बतानी है, रेबोल्फिया सरपेंटिना, सेंटलम एल्बम, सैंडलवुड जिसको बोलते हैं, साइकस बेडोनिया, बेडोनियाई, और ऑल ऑफ एबब, के सारी हैं, तो ऑल ऑफ एबब आएगा, कि रेबोल्फिया, सेंटलम और जो साइकस है, ये तीनों ही जो हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, खतरे में है, ये ख़त्म होने तक पहुँच गई है, ठीक है। फिर है लॉ एक्सटिंक्शन ऑफ द पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू, जो पैसेंजर पिजन है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, किस कारण एक्सटिंक्ट हो गए हैं पैसेंजर पिजन, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ प्रीडेटरी बर्ड्स, या ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाई मैन, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, या बर्ड फ्लू वायरस इन्फेक्शन, कि उनको बर्ड फ्लू हुआ था उसकी वजह से, या फूड नहीं मिलता उनको, या प्रीडेटरी बर्ड ज़्यादा है उनको खा जाते हैं, या ह्यूमन की ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो सिंपल सा हमने बी पढ़ा हुआ है इसका, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ऐसा होता है, तो बी ऑप्शन आ जाएगी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट ठीक है, पार्थेनियम एंडेमिक स्पीशीज़ है हमारी कंट्री की, नहीं, अफ्रीकन कैटफिश इज़ नॉट अ थ्रेट टू इंडिजीनियस कैटफिश, कि यहाँ की कैटफिश को अफ्रीकन कैटफिश ने खतरा नहीं किया है, गलत किया है, सेलर सी काउ एक्सटिंक्ट एनिमल है, हाँ बिल्कुल एक्सटिंक्ट एनिमल है, ठीक है, लैंटेना इज पॉपुलर नोन एज कैरेट ग्रास, नहीं, पार्थेनियम को बोलते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारी सी ऑप्शन आएगी इसकी, ठीक है, स्टेलर सी काउ, डोडो हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ, प्लैनेट अर्थ, अर्थ का लंग्स किन्हें कहा जाता है, त्यागा फॉरेस्ट, तंद्रा फॉरेस्ट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, या रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो अमेजोन फॉरेस्ट को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, प्लांट्स ज़्यादा हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है 20% तक पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, सबसे ज़्यादा है, तो हमारी ऑप्शन आएगी सी। नेक्स्ट है द एक्टिव केमिकल ड्रग रेजरपिन ऑब्टेन फ्रॉम, रेजरपिन हमें जो केमिकल ड्रग है रेजरपिन की, हमें किन से मिलता है, धतूरा से, रेवोल्फिया से, एट्रोपा बेलाडोना से, या पापावर सोमनीफेरम से, तो रेवोल्फिया सरपेंटिना से मिलता है, ठीक है, रेजरपिन ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि कौन सी जो ग्रुप हैं उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, डिफरेंट काइंड के प्लांट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म, एल्गई, ब्रायोफाइट्स, या फंजाई, तो जिम्नोस्पर्म में सबसे ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स पहले आए थे तो उसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, ठीक है, अभी भी ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन आएगी हमारी ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48th क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो मैंशनड रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन, कौन से एरिया में सीजनल वेरिएशन बहुत कम होती है, सीजन इतने चेंज नहीं होते हैं, कौन से एरिया में, ट्रॉपिक में, टेम्परेट में, अल्पाइन में, कि ट्रॉपिक और टेम्परेट में, तो हमने ये जब पढ़ा था पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वहाँ पे पढ़ा था हमने जो इक्वेटर होते हैं, ठीक है, इक्वेटर होते हैं, देन मतलब इक्वेटर में ट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, देन टेम्परेट रीजन होता है, सब ट्रॉपिक रीजन होता है, ठीक है, सब ट्रॉपिक, फिर टेम्परेट, टेम्परेट, सब ट्रॉपिक, फिर टेम्परेट, देन आर्कटिक, ऐसे होता है, ठीक है,
तो उन्हीं का सीजनल वेरिएशन सबसे कम कहाँ पे है, लेस सीजनल वेरिएशन कहाँ पे है, यहाँ पे जहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ पे सीरियल सीजनल वेरिएशन कम होती है, तो वो ट्रॉपिक रीजन होता है। तो हमारी ऑप्शन आनी है 48th की, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 49th क्वेश्चन पे। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ द ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन द राउ दे जिनारियो इन 1992 इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, जो बायोडाइवर्सिटी को लेके जो कन्वेंशन हुआ था ठीक है राउ दे जिनारियो में 1992 में, उसको क्या बोलते हैं, CITES कन्वेंशन, अर्थ समिट, G16 समिट या MAB प्रोग्राम। तो ये तो बायोस्फीयर रिजर्व को लेके था, है ना, हमने पढ़ा है अर्थ समिट था। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन टू द टेक्निक्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर, कि कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर में सेम है, कॉमन है, क्या चीज़ है। ये सारे इनजीटू कंजर्वेशन में आते हैं, नहीं इनजीटू कंजर्वेशन में तो आते नहीं, सारे के सारे एग्जीटू कंजर्वेशन में हैं, बिल्कुल ठीक है, आते हैं। ऑल रिक्वायर्ड अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स फॉर लार्ज फिश, नहीं ऐसा नहीं होता। ऑल मेथड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये सारे मेथड जो हैं वो कंजर्व करते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को, हाँ कुछ कुछ हद तक करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को करते हैं, तो कुछ ऐसे भी तो पॉलन ग्रेन या कुछ ऐसे जो होते हैं मतलब पार्ट्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जिनको वैसे प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मॉडिफिकेशन के लिए करवाई जा सके, है ना, आगे जीन्स मॉडिफाई करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सटिंक्ट के लिए हो, है ना, इसीलिए हम यहाँ पे, ये तो चलो कॉमन ही है, सभी एग्जिटू कंजर्वेशन में आते, तो हम इसकी ऑप्शन बी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन बी हम चूज़ करें, बी आ जाएगी इसकी ऑप्शन की, एग्जिटू कंजर्वेशन में तो आते ही आते हैं सारे, ठीक है, इसमें तो कुछ एक्सेप्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसके 50 क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर करेंगे, ठीक है, और उसके MCQs भी डिस्कस करेंगे, इकोलॉजी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और नोट्स और इसका हार्ड कॉपी के लिए या PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पूजा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।